हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स आज हम शिगेला के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर वीडियो में सो स्टार्ट स्टूडेंट्स शिगेला इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरिया मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स शिगेला वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होता है एंड अगर हम सौ से दो सौ ऑर्गेनिज्म हंड्रेड टू टू हंड्रेड ऑर्गैनिज्म को इंजेस्ट कर लेते हैं तो हमें डिसीज़ कॉज कर देते हैं एंड अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर और फूड और वाटर जो ह्यूमन फीकल मटेरियल से कंटामिनेटेड हो अगर उसको हम इंचस्ट करते हैं तो ये इंडिविजुअल में इन्फेक्शन uh, कॉज कर देता है एंड ज़्यादातर इंडिविजुअल में इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि ह्यूमन फिकल मटेरियल से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही होता है एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ शिगेला सर्वाइव कर सकता है अप टू थर्टी डेज इन मिल्क एग्स चीज़ स्टूडेंट्स ये तो हमने पढ़ा कि शिगेला इन्फेक्शियस है एंड अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो ये इंटैरोबैक्ट्रिए फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड शिगिला ग्राम नेगेटिव बैसिली होते हैं एंड ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं एंड ये वेरियस सबस्ट्रेट्स को फर्मेंट करते हैं मोस्टली ये नॉन मोटाइल होते हैं एंड नॉन स्पोरिंग होते हैं जिनकी राउंडेड एंड्स होती है और ये नॉन एसिड फास्ट होते हैं अगर इनकी टैक्सोनोमी की बात करें तो ये इंटैरबैक्ट्रियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ये बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं शिगेला डिसेंट्रिए जो कि मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री कॉज करते हैं देन शिगेला फ्लैक्सनेरी जो कि शिगेलॉसिस कॉज करते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में शिगेला सोनिए जो कि शिगे कॉज करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में एंड शिगेला बोइडी स्टूडेंट्स अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ मैनीटॉल फर्मेंटेशन तो नॉन मैनीटॉल फर्मेंटर्स सिर्फ और सिर्फ शिगेला डिसेंट्री है बाकी तीनों शिगेला फ्लेक्सनेरी शिगेला बॉइडी शिगेला सोनी तीनों के तीनों मैनीटॉल फर्मेंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स इनकी मोफोलॉजी एंड स्टेनिंग की बात करें तो ये शॉर्ट रॉड्स होते हैं ये शॉर्ट रॉड्स होते हैं एंड ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं साथ ही साथ नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं एज वी नो अभी हमने इसे पढ़ा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस तरीके की इनकी अपियरेंस होती है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अगर इनकी हम कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑल मेंबर्स ऑफ शिगेला आर एरो एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक जितने भी मेम्बर्स होते हैं शिगेला के वो एरोबिक होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं एंड ये ग्रो करते हैं ऐसे कल्चर मीडियम में जिसका पी एच सिक्स पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट एट के बीच का हो एंड इनको अपनी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है वो टेन डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में ये ग्रो करते हैं बट ऑप्टिमम ग्रोथ हो होती है इनकी थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन शिगेला कॉलोनीज़ रिच इज़ अ डायामीटर ऑफ अबाउट टू एम एम 24 घंटे के इनक्यूबेशन के बाद शिगेला की जो कॉलोनी होती है उसकी डायामीटर अबाउट टू एम तक पहुंच जाती है एंड इनकी कॉलोनी सर्कुलर कन्वेक्स कलरलेस होती है लेकिन ये मॉडरेटली ट्रांसल्यूसेंट होते हैं एंड ये स्मूथ सरफेस एंड इंटायर एजेस फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स अगर इनको हम ग्रो कराते हैं सेलेक्टिव मीडिया पे तो तो एक्स एल डी मीडिया पे ये पिंकिश टू रेडिश कॉलोनी फॉर्म करते हैं जबकि एच ई ए मीडिया पे ये ग्रीन टू ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म करते हैं ग्रीन टू ब्लू ग्रीन कॉलोनीस फॉर्म करते हैं इनकी हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो शिगेला स्पीशीज जो है वो सिर्फ ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं

जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है या जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो पोल्यूटेड वाटर सप्लाई किए जाते हैं वैसे एरिया में इसका शिगलॉसिस के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं ज़्यादा देखे जाते हैं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्प्रेड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी स्प्रेड को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्प्रेड हमेशा ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू होता है एंड जनरली कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें लाइक फूड फिंगर्स फीसेस फ्लाइस और फॉमिटीज। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनकी स्प्रेड में स्टूडेंट्स अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फीकल औरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं मेनली एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और भी है अदर मोड्स की वजह से भी ये ट्रांसमिट होते हैं लाइक अगर हमने कॉन्टामिनेटेड फ़ूड और वाटर को इंजेस्ट कर लिया है या हम कॉन्टामिनेटेड uh, ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्टेक्ट uh, में आए हैं या सेक्शुअल कॉन्टेक्ट में आए हैं तो उससे ये uh, इनकी ट्रांसमिशन होती है ये ट्रांसमिट हो जाते हैं एंड शिजिला का जो आउटब्रेक है वो शिजिला इन्फेक्शन का जो आउटब्रेक है वो कॉमन होता है ऐसे प्लेस में जहाँ पे पुअर सैनिटेशन हो स्टूडेंट्स इनकी पैथोजेनिसिटी की बात करें तो शिजिला डिसेंट्रीज जो है वो पावरफुल एक्सोटॉक्सिन फॉर्म करता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद बेसिलरी डिसेंट्री जिससे बेसिलेरी डिसेंट्री कॉज करते हैं ये एंड मैन में शिजिलोस जो है वो बिगेन होता है कुछ एक्यूट सिम्टम्स के थ्रू लाइक एक्यूट गैस्ट्रो एंट्रीटाइटिस कॉज होगा जिसमें बाद में एबडोमिनल पेन एंड डायरिया भी होने लगता है पेशेंट को एंड एज इट प्रोग्रेस डायरिया बिकम मोर फ्रिक्वेंट जैसे ही प्रोग्रेस होता है डायरिया और ज़्यादा फ्रीकुंट हो जाता है एंड देन यूजअली पेन भी होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स Uh, बाद में ये डायरिया जो है लेटर डायरिया लूज इट्स फीकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज फॉलोड बाई म्यूकस विद पस् एंड ब्लड डिजीज जो है ये डिजीज जो है वो यूजुअली ऐसे एरिया में होते हैं जो जहाँ पे पुअर सैनिटेशन हो एंड ये देखा गया है कि चिल्ड्रन्स में ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अटैक करते हैं देन एडल्ट पर्सन एंड इनके सिम्टम्स जो है वो चिल्ड्रंस में और ज़्यादा चिल्ड्रेन में इनके सिम्टम्स जो है वो और ज़्यादा सीवियर होते हैं स्टूडेंट्स अगर हम इनकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इनकी एपिडेमियोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में शिगलॉसिस एक मेजर कॉज है डायरियल डिसीज़ का डेवलपिंग नेशंस में एंड ये मेजर कॉज़ है बेसिलरी डिसेंट्री का जो कि सर्व करता है एज सेकेंड स्टेज फॉर्म ऑफ शिगेलोसिस एंड इसकी वजह से इन्फेंट डायरिया एंड मोटेलिटी डेथ भी काफ़ी होती है डेवलपिंग कंट्रीज में स्टूडेंट्स शिजला जो है वो नेचुरली हायर प्राइमेट्स में अकर होते हैं शिजला अकर्स नेचुरली इन हायर प्राइमेट्स एंड स्प्रेड होते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन फीकल और ओरल रूट के थ्रू एंड ये लेस फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिट होते हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन के थ्रू एंड इनका आउटब्रेक्स यूजुअली अकर होता है क्लोज कम्युनिटीज़ में जहाँ पे पो सैनिटेशन हो या वाटर सप्लाई कंटामिनेटेड हो ह्यूमन uh, फीकल के कांटेक्ट में हो या जो काफ़ी क्लोज कॉम्यूनिटीज़ होती है वहाँ पर इनके आउटब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड वहीं पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आकर होता है स्टूडेंट्स अगर हम इनकी लैब डायग्नोसिस की बात करें कि हम लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस करेंगे तो ओनली सेटिस्फेक्शन मेथड है लैब डायग्नोसिस का कि पेशेंट के सैंपल को हम कल्टीवेट करें द ओनली सैटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज टू कल्टीवेट द बेसिली फ्रॉम द पेशेंट पेशेंट के सैंपल से इस बेसिली को हम कल्टिवेट करें एंड अर्ली स्टेज में एक्यूट uh, शिगेलॉसिस के अर्ली स्टेज में Uh, क्या होता है हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं फीसेस से एंड यूजुअली विदाउट डिफिकल्टीज और बाय यूजिंग सम स्पेशल मीडिया एंड मेथड्स इम्प्लॉयड फॉर सेलमोलीला हम इनको कल्टिवेट करते हैं स्टूडेंट्स प्रिवेंशन की बात करें तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को और शिगे, शिगेला के द्वारा कॉज किए गए इन्फेक्शन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम प्योर वाटर सप्लाई के थ्रू इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं दूसरा पर्सनली हाइजीन हैंड हाइजीन को ध्यान रखते हुए हम इसको ओवरकम कर सकते हैं सीवेज डिस्पोजल के थ्रू फूड हाइजीन के थ्रू इंसेक्ट्स कंट्रोल के थ्रू और फ्लाइज कंट्रोल के थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं श्रीगिला के द्वारा कॉज की गए इन्फेक्शन को हम इसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं देन वैक्सीन ओरल वैक्सीन के थ्रू हम इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों को स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के थैंक यू सो मच